पर पहुंच चुका हूं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश की बस स्टैंड जो है पहले यहां पे थी। इस टाइप की बस जो है वो जाती है सीरीज नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लोर्ड हिडन प्लेसेस। ड्राइवर का सीट और बाकी सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह सब यहाँ, जिसको भी दो गांव को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे जो है कोई आर्टिफिशियल जो है कि वो ब्रिज नहीं बनाया गया। ये एक अभी जो हम लोग फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट पे आ गए हैं जो कि हम लोग 100 स्टेप है नीचे जाना पड़ता है। तो इफ अगर आपको ब्रिज बना दिया है और इसकी अगर उम्र की बात करूँ तो मैं ये चार अभी जो है हम लोग सिंगल रूट ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे जो है एक अभी जो यहाँ पे एक व्यू पॉइंट बना हुआ है जो कि बांस के से जो है, यहाँ से उतरते वक्त जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है क्योंकि ये थोड़ा सा बांग्लादेश से है और वो सीनियर एडवोकेट जो है वो यहाँ पे जो है वो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है। इसके बॉर्डर से गुजर रहे हैं, ये आपको सामने जो फेंसिंग दिख रहा है ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर। अंदर में पानी के जो है वो पत्थर जो है साफ साफ दिख आ गया हूँ आपके लिए जो है मैंने इतना रिस्क लिया है। वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। अभी हम लोग जो है वो शिलोंग में हैं और हमारा जो ट्रिप जो चल रहा है सीरीज नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लोर्ड हिडन प्लेसेस जो नॉर्थ ईस्ट में है सेवन सिस्टर्स स्टेट्स उसके लिए, तो उसका जो है तीसरा दिन है। और आज हम लोग जो है कि यहाँ से जो है कि मेघालय टूरिज्म जो है वो एक स्पेशल बस सर्विस चलाती है वन डे टूर करके, तो उसके थ्रू जो है आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि वो कितना वर्थ है लेना और क्या आप मतलब उसके थ्रू टूरिज्म को ऑर्गेनाइज करके या लेकर जो है कि आप कितने ज़्यादा जो है टाइम और मनी को जो है सेव कर सकते हैं या आपको प्राइवेट टूरिज्म लेना चाहिए, तो आज उसको एक्सप्लोर करेंगे हम लोग। बस जो है 8:15 पे खुल जाती है, अभी टाइम जो है 7:15 हो गया है तो हम लोग निकलने वाले ही हैं क्योंकि यहाँ से वॉक करके 15-20 लगेगा वहाँ जाना होगा। मैं रूम जो है वो प्लीज बाजार के लिए आया हूँ और प्लीज बाजार से हार्डली जो है 15-20 लगता है जो उसका ऑफिस है MCTC करके ऑफिस है उसका वहाँ पे, तो पोलो एक जगह का नाम है वहाँ पे ही उसका ऑफिस है। पहले यही बगल में था लेकिन वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसके वजह से जो है ऑफिस को शिफ्ट कर दिया गया वहाँ, तो देखते हैं कितना समय में जो है कि भी यहाँ शिफ्ट होता है, तो वो चीज़ जो है कि मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू जो है अपडेट कर दूंगा। अभी मैं जाता हूँ तो वहाँ इंक्वायरी भी ले लूँगा इस चीज़ के लिए, तो मैं सीधा जो है आपको मिलता हूँ वहाँ MCTC के बस स्टॉप पे और जो है कि फिर वहाँ जाके आपको दिखाता हूँ किस टाइप का बस है और क्या इन्फॉर्मेशन है सारा। MCTC की बस स्टैंड जो है पहले यहाँ पे थी, अभी दोबारा से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से पोलो पे भी शिफ्ट कर दिया गया है, तो मैं आगे जाके पता कर लेता हूँ कि फिर दोबारा यहाँ पे ही होगा क्या वहीं पे रहेगा। मैं जो है पहुँच चुका हूँ मेघालय टूरिज्म के ऑफिस में और बस भी जो है वो लगी हुई है, सफाई वगैरह और इंजन का चेक वगैरह चल रहा है। इस टाइप की बस जो है वो जाती है डॉकी प्लस इंडिया वर्ल्ड की क्लीनेस्ट विलेज। इसका सीट कम्बिनेशन जो है 2x2 का है, ऊपर में लगेज वगैरह रखने के लिए दिया हुआ है। टोटल कैपेसिटी हो गया 25 का टोटल कैपेसिटी है इसमें। आगे का ये कैबिन हो गया, ड्राइवर का सीट और बाकी सारे क्रूज कंट्रोल वगैरह सब यहाँ पे हैं। यहाँ पे जो है कि आई थिंक ये GPS सिस्टम वगैरह बाकी जो चीज़ें हैं वो है। इस बस के साथ जो है कि एक टूर गाइड जो है वो भी जो है चलता है जो आपको प्रॉपर जो है फुल्ली इन्फॉर्मेशन जो देगा वो जो जो प्लेस आप विजिट करोगे। ऑलमोस्ट जो है कि 6 to 7 जो है कि प्लेसेस को जो है ये एक्सप्लोर करवाती है, जिसमें एक डॉकी है, एक एशिया की सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। उस विलेज का मुझे नाम तो एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पा रहा है, मैं उसका नाम उस पर दे दूंगा, अभी मैं उसका देखता हूँ। बाकी जो है पैसेंजर वगैरह कुछ आ चुके हैं, कुछ आने के लिए अभी बाकी है जो टूरिस्ट हैं वो, तो एक बार जो है कि सारे टूरिस्ट आ जाते हैं तो फिर जो है कि टाइमिंग जो है वो 8:15 है, तो एग्जैक्टली 8:15 पर खुल जाती है। 2-4-5 लेट आगे पीछे चलेगा बट लेकिन ज़्यादा नहीं चलता क्योंकि टूर जो है कि हर जगह पे आपको 10-15-20 जो है टाइमिंग भी देना है। सेकेंड चीज़ है कि लॉन्ग रूट है, जाना है प्लस आना है वो भी है, और कुछ जगह पे जो है कि आपको हाफ एन आवर, कुछ जगह जो है कि 1 जो भी आपको लगता है एक्सप्लोर करने में, तो इसके लिए भी जो है उसे टाइम देना है, तो जिसकी वजह से ऑन टाइम ही ये यहाँ से निकल जाती है। बेस्ट है अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो या फैमिली के साथ भी कर रहे हो तो आपको चीप एंड बेस्ट में जो है कि ये पड़ेगा।
प्लस जो है कि लास्ट डे अगर आपको मतलब और एक्सप्लोर करना है तो लास्ट डे आप टैक्सी बुक कर लो, और जो जो पार्ट छूट गया है तो उसको एक्सप्लोर कर लो। आई थिंक मुझे लगता है कि एक पार्ट आपका छूट जाएगा, डबल डेकर ब्रिज। सिंगल डेकर ब्रिज तो ये दिखा देती है, बट लेकिन डबल डेकर ब्रिज वो छूट जाएगी। तो वो जो है कि आप इस टैक्सी ड्राइवर्स के थ्रू जो है वो कर लो निगोशिएट करके। अगर ये बाकी जो है, ये जो है तीन ट्रिप यहाँ से करवाती है बाई बस से, जिसमें जो है कि एक डॉकी विलेज के लिए, डॉकी प्लस लिनेस विलेज के लिए है, सेकेंड जो है वो चेरापूंजी के लिए, और थर्ड जो है वो लोकल टूर के लिए, जो आसपास में जो है कि शिलोंग के टूरिस्ट प्लेस है उसके लिए करवाती है। तो उसके लिए इन्फॉर्मेशन जो है आपको डिस्प्ले पे जो है वो दिख रहा होगा, और आप अगर देखें तो आप मेरे पिछले ब्लॉग को भी चेक कर सकते हो, उसमें भी जो है मैंने पूरा एक्सप्लोर किया इस चीज़ को। बाकी उसके जो है कि फ़ोटो जो मैंने क्लिक किए थे वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो आपको इस पर जो है कि डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हैं। बाकी नंबर वगैरह भी दिया हुआ है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ से जो है आप कॉल करके जो है कि एक्सप्लोर कर, यहाँ से सारे इन्फॉर्मेशन वो आप ले सकते हो। बाकी कोशिश करना कि एक दिन पहले जो है आके आप बुक कर लो, क्योंकि पीक सीजन पे जो है फुल हो जाता होगा, क्योंकि धीरे धीरे जो है ये ब्लॉगरों ने जो है इसे बनाया वीडियोस पे, तो इसकी वजह से जो है थोड़ा क्राउड इस पे होने लगा। मैं भी इसे रिकमेंड कर रहा हूँ। तो चलिए एक बार सब निकलती है बस, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। यहाँ पे जो है वो फार्मिंग किया जा रहा है। कल जो हमने जो म्यूजियम विजिट किए थे तो वहाँ पे इस फार्मिंग कल्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है डॉन बॉस्को म्यूजियम में। तो ओके, सो वी आर नाउ हियर एट इन आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज कैनियन वैली। वी हैव रीच्ड माउंट अंडौकी, बट दिस इज आवर वे टू माउंट अंडौकी। एंड टू व्यू दिस वैली यू हैव टू टेक एन एंट्री फी। देयर इज अ स्मॉल शॉप ओवर देयर, you have to take an entry fee from there and from that अभी जो हम लोग फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट पे आ गए हैं, जो कि हम लोग का व्यू पॉइंट है मावागंज, ऐसे करके व्यू पॉइंट है। यहाँ से जो है आपको छोटे छोटे वैलीज वगैरह जो दिखेंगे, और यहाँ पे जो है गाड़ी 20 मिनट्स रुकती है, तो इट्स इनफ टाइम कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाकी अगर आप कुछ खाना पीना चाहते हैं तो उसके लिए पहले ऑर्डर दे दें, फिर जाकर व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर करें, फिर जाके खा पी के। वाशरूम भी बना हुआ, आप वाशरूम वगैरह कर सकते हैं। एक बार चलते हैं व्यू पॉइंट पे, फिर मैं वहाँ से आपको जो है वहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ। यहाँ से जो है आप वो व्यू पॉइंट पे जा सकते हैं, यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं, यहाँ पे रेस्टोरेंट्स वगैरह बना हुआ है, और यहाँ पे वाशरूम भी है। तो बस ये हम लोग चलते हैं व्यू पॉइंट के अंदर। यहाँ से जो है आप नाम पढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ पे पहले टिकट लेते हैं फिर जाके। अभी जो है हम लोग वो व्यू पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। ये एक तरह से जो है कि पहाड़ को काट के जो है बनाया गया व्यू पॉइंट। यहाँ से जो है आपको छोटे छोटे वैलीज वगैरह दिखेंगे, और यहाँ पे आप फोटो वगैरह भी क्लिक करा सकते हो इस तरह से ड्रेस वगैरह पहन के। और यहाँ से व्यूज जो है बहुत बहुत प्यारा आ रहा है। एक बार मैं कैमरा टर्न ऑन करता हूँ, फिर आप जाकर देखो। मानसून के टाइम में जो है यहाँ पे वैली वगैरह जो है क्लियर नहीं दिखता है, क्योंकि फॉग पूरा फॉग वगैरह रहता है। फाइनली जो है वो मैं व्यू पॉइंट से आ चुका हूँ। व्यू पॉइंट जो है बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। यहाँ से जो है कि आपको कुछ छोटे छोटे पहाड़ के जो है कि दिखेंगे, उसके साथ जो है कि कुछ विलेजेस वगैरह है जो इन पहाड़ों में बसा हुआ है। और ये जो है 20 रुपीज़ जो है एंट्री फीस है, जिसके लिए कोई टिकट वगैरह तो आपको मिलता नहीं है, बस आपको पे करना होता है और एंट्री कर जाओ। और यहाँ पे कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह है जहाँ पे आप कुछ खा पी सकते हो। मैंने चाय लिया था। तो अभी हम लोग जो है नेक्स्ट जो है कि हमारा जो ट्रिप रहेगा, स्पॉट रहेगा, वो रहेगा रूट ब्रिज, जो कि पेड़ों के नीचे से जो है कि एक तरह से रूट निकल कर जो है वो एक ब्रिज फॉर्म करता है। ये नेचुरली फॉर्म होता है। तो
अभी जो हम लोग वो सिंगल रोड ब्रिज के पास आ गए हैं, यहाँ से जो है कि 200 स्टेप है नीचे जाना पड़ता है। तो इफ अगर आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या बैक पेन वगैरह जैसा इशू है तो आप प्लीज जो है कि इस पे नहीं आए। ऑलमोस्ट जो है कि 200 के आसपास जो है कि स्टेप जो है आपको चल के नीचे जाना होगा। ये सिंगल जो है कि रोड ब्रिज है, और ये रोड ब्रिज जो है एक रबर के प्लांट से बना हुआ है। ऑलमोस्ट जो है कि 16 साल जो है कि इसको बनने में लगा है, और ये 400 से 500 साल पुराना है, और ये दो विलेज को जो है आपस में कनेक्ट करता है। ये मैनमेड नहीं है, इसे जो है कि कोई किसने बनाया नहीं है, ऑटोमेटिक जो है कि मतलब तरह का ब्रिज का काम करता है। और इसी मेघालय में जो है आपको डबल डेकर रोड ब्रिज भी देखने को मिलेगा, तो नेक्स्ट टाइम में जो है हम लोग उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी हम लोग जो है वो सिंगल ब्रिज के लिए जा रहे हैं। इस टाइप का जो है कि वो स्टेप बना हुआ है, और बी केयरफुल होके चलने की जरूरत है इस पे, कि थोड़ा सा भी मिस हुआ तो सीधा आप नीचे चले जाओगे। और प्रॉपर जो है कि रूट तो नहीं है ये, एक तरह से आपको ऑफ रोडिंग का जो है वो फील देगा। अभी जो है हम लोग वो सिंगल लिविंग रोड ब्रिज पे आ गए हैं। ये जो है एक तरह का कॉन्सेप्ट है जिसको दो गांव को कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जो है कोई आर्टिफिशियल जो है कि वो ब्रिज नहीं बनाया गया, ये एक रूट है जो रबर के पेड़ का रूट है, और ये जो है 15-16 साल में जो है कि अपने आप ये एक तरह का रूट जो है कि ब्रिज बना दिया है। और इसकी अगर उम्र की बात करूँ तो मैं ये 400 साल पुराना है, 400 से 500 साल जो है कि इस ब्रिज को हो गया है। तो मानसून के समय पर जो है इसमें बहुत ज़्यादा पानी का फ्लो रहता है। ये एक तरह से छोटा सा जो है कि नदी है जिसमें जो है कि पानी का फ्लो रहता है, और उसको क्रॉस करने के लिए, दो गांव को कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज का जो है फॉर्मेशन नेचर ने किया एक तरह से। तो यहाँ पे जो है कि वन टाइम विजिट है, आप इसी ट्रिप के साथ जो है वो आ सकते हैं। इसमें इस ट्रिप में जो है कि 5 जो है कि टूरिस्ट प्लेस को जो है विजिट कराया जाता है, तो उसको आप जो है कि एक्सप्लोर कर सकते हैं इसमें। 200 स्टेप जो है कि आपको नीचे आना होगा, और जो है कि 40 रुपीज़ जो है चार्ज है। अगर आपके पास कैमरा है तो उसके लिए जो है कि 20 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना होगा, और मोबाइल वगैरह के लिए कोई चार्जेज नहीं है। तो फोटो वगैरह आप क्लिक करने के लिए कर सकते हो, बट लेकिन अगर आप कैमरा लेकर आते हो तो 20 रुपीज़ आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा। ये जो है कि एक गाँव है इस साइड, इस गाँव को इस साइड से जो है कि गाँव से कनेक्ट किया जाता है। और अभी तो यहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड है। इस रूट में जो है कि एक डबल डेकर ब्रिज भी है, वो मेघालय में ही पड़ता है, बट लेकिन वो इस ट्रिप में इंक्लूड नहीं है, तो आप उसका भी अलग से एक प्लान बना सकते हो। और यहाँ पे जो है एक डबल डेकर का भी क्रिएशन जो है वो चल रहा है एक तरह से। ऊपर से भी रूट है, भी मैं आपको दिखाऊंगा ऊपर जाने के बाद, कि वो एक तरह से ऊपर से भी बनाया जा रहा है। तो कुछ दिन आने वाले में 10 साल से 12 साल में जो है कि यहाँ पे डबल डेकर ब्रिज जो है वो बनके तैयार हो जाएगा, और ये नेचुरली होगा, इसमें कोई भी जो है कि मैन मेड का कोई भी इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे। अभी जो है हम लोग सिंगल रूट ब्रिज के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे जो है एक ऊपर भी जो है वो अभी फॉर्मेशन चल रहा है, और ये ब्रिज जो है यहाँ से है, आप इसको एक बार देख लें यहाँ से। ये इस टाइप का रूट से जो है बना हुआ ब्रिज है, और ये जो है कि इसका चलने का पाथ हो गया। अभी जो है हम लोग एशिया के क्लीनेस्ट विलेज में हैं, जिसका नाम माओलिंग करके है। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन में कुछ मिस्टेक हो रहा होगा तो उसका मैं स्क्रीन पे नाम दे दूँगा, आप कर लेना, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंसिएशन करना। ये विलेज जो है एशिया का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है। इसे जो है यहाँ के गांव के लोगों के द्वारा ही जो है उसे साफ़ सुथरा किया जाता है, और यहाँ पे जो पॉलिट्री फार्म या फिर जो भी ऐसा चीज़ें जो विलेज को गंदा कर सकता है वो आउटसाइड द विलेज है। तो विलेज के अंदर ऐसा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। जगह जगह पर आपको डस्टबिन्स वगैरह, बैम्बो के डस्टबिन्स जो हैं वो सारे बने हुए हैं। और इसे जो है कि यहाँ पे जो है कि बचपन से लोगों को सिखाया जाता है कि साफ़ सफाई जो है हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, और उसे जो है कि किया जाता है। यहाँ पे बच्चे जो है वो स्कूल जाने से पहले जो है अपने घर को साफ़ सफाई करते हैं, अपने आसपास को। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपने काम पे जाने से पहले अपने घर को साफ़ करते हैं, आसपास में साफ़ करते हैं, फिर जाके वो जाते हैं। तो इसे जो है डिस्कवर किया गया एक मैगज़ीन के थ्रू, और इसे जो है कि एक टाइटल दिया गया है एशिया क्लीनेस्ट विलेज। और ये जो है हमारा नॉर्थ अनएक्सप्लोर्ड हिडन प्लेसेस के अंदर ही हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं इसको। तो इस रीज में जो है कि आपको पूरा नॉर्थ का सब कुछ देखने को मिला है। यहाँ पे जो है एक टीर हाउस बना हुआ है एक प्राइम, इसके लिए जो है आपको 10 रुपये 30 रुपये पर पर्सन देना होगा। ये जो है कि पेड़ के ऊपर जो है बना हुआ एक घर है, जहाँ से जाओ एक तरह से व्यू पॉइंट बना हुआ है, जो कि बांस के इससे जो है इसको बनाया गया है सीढ़ी टाइप का, और फिर जाके इससे जो है कि आप पेड़ के ऊपर जा सकते हैं, और वहां से जो है कि आप विलेज का जो है एक व्यू ले सकते हैं। तो 30 रुपीज़ जो है इसका
चार्ज है पर हेड, एक समय पे जो है कि 10 लोग जो है कि उस पर जा सकते हैं। तो मैं भी जो है जा रहा हूँ ऊपर, वहाँ से आपको जो है विलेज का जो है व्यू दिखाता हूँ। यहाँ से उतरते वक्त जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि ये थोड़ा सा स्लिपी है, बांस है, इस वजह से। तो बट सेफ है, इसे इस तरह से बनाया गया है ताकि कोई ये ना हो। और एक जो है कि यहाँ पे लिमिटेशन भी है कि एक टाइम में 10 ही लोग जो है वो इस पे चल सकते हैं, तो इसके वजह से भी। बाकी साइड से जो है इसमें सपोर्ट वगैरह भी दिया गया है बांस का, ताकि पेड़ के अलावा। हमारे यहाँ तो बच्चे ऐसे ही पेड़ पे चढ़ जाते हैं, बट शहरों के लोगों को जो है पेड़ पे चढ़वाने का भी जो है एक अच्छा जुगाड़ जो है वो बनाया गया है। तो बाकी जो है विलेजेस वगैरह जो भी टूरिस्ट प्लेस हैं, तो वहाँ पे भी इस टाइप का जो है बनाया जा सकता है। यहाँ पे भी जो है एक व्यू पॉइंट बना रखा है पेड़ पे, और ये होम स्टे है। आप यहाँ से जो है कि अगर आप यहाँ स्टे करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है होम स्टे, और बहुत सारे होम स्टे है, तो उसमें भी जो है आप स्टे कर सकते हैं। विलेज में जो है होटल वगैरह तो नहीं है, लेकिन होम स्टे वगैरह बहुत सारा है, तो आप यहाँ के जो है कि एक दिन स्टे कर सकते हैं, यहाँ के कल्चर को और यहाँ के जो है जो इनके जो है कि मान्यताएं हैं या जो इनके ट्राइब्स के जो कल्चर हैं। क्योंकि बेसिकली क्या है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको ज़्यादातर जो है वो ट्राइब्स वगैरह जो कम्युनिटी जो है वो देखने को मिलेगी, तो उसको आप समझ सकते हैं। तो एक दिन आप यहाँ रह सकते हैं। खाने पीने के लिए जो है सामने ही जहाँ पे कार पार्किंग वगैरह है वहाँ पे होटल है, तो आप वहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हैं। हमारे साथ जो है एक अंकल जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि बांग्लादेश से हैं, और वो सीनियर एडवोकेट जो हैं वो बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट में हैं। तो हिज नेम इज इस्माइल, योर नेम इज इस्माइल, हेलो, योर नेम इज इस्माइल, हिज नेम इज इस्माइल। खाना में जो है इन्होंने चिकन लिया है, दाल है, प्लस जो ये वेज थाली प्लस सलाद है, साथ में जो है ये टमाटर का चटनी है। ये 51 अभी जो है हम लोग विलेज से जो है वो निकल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से डॉकी जाना है, डॉकी जाने में यहाँ जो है कि 2 घंटा लग जाता है ऑलमोस्ट, क्योंकि डॉकी जो है वो बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर भी टाउन करता है। तो बॉर्डर शेयर करने की वजह से यहाँ पे जो है कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी होता है, कोयला वगैरह जो है यहाँ से बहुत ज्यादा जाता है, जिसकी वजह से बहुत बड़े लंबे ट्रक्स की लाइन लग जाते हैं। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है कि हम लोग अभी जल्दी ही निकल रहे हैं। तो नेक्स्ट मंथ जो है कि हम लोग 30 मिनट यहाँ रुके हैं, तो आप 30 मिनट में विलेज को जो अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पे जो है वो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है कि आप गांव के अंदर जो है क्या क्या विजिट कर सकते हैं। सबके अलग से आपको चार्जेस वगैरह पे करने होंगे, 20-30 रुपीज मिनिमल चार्जेस जो है वो आपको पे करने होते हैं। रोड जो है इस रूट पे वो सिंगल है, जिसकी वजह से दूसरी गाड़ी वगैरह को क्रॉसिंग देने में तो वो दिक्कत होता है। अगर कोई बड़ी ट्रक्स वगैरह आ जाती है बहुत ही मुश्किल से जो है कि यहाँ पे जो है कि उसको जो है कि साइड दिया जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में सामने से जो है कि ट्रक और बस आ गई है, तो जिसकी वजह से हमें जो है साइड देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि साइड में जो है वो सुपारी, जिसको बिटल नाइट भी बोलते हैं, उसका जो है कि फॉर्म लगा हुआ है, तो गाड़ी उधर जा नहीं सकती है। और शाम क्योंकि उधर खाई भी है, खाई के ढलान पे जो है वो पेड़ लगा हुआ है, तो बहुत ही मुश्किल से जो है गाड़ी को रोशनी दिया जा रहा है।
और उस लोकेशन से गुजर रहे हैं। उस लोकेशन पे बीटल नट, जिसको सुपारी बोलते हैं आम भाषा में, उसकी जो है कि खेती बहुत ज़्यादा इस लोकेशन पे होती है। हर जगह जो है कि आपको बीटल नट का जो है वो पेड़ दिख रहा होगा, तो इस लोकेशन पे जो है बहुत ज़्यादा बीटल नट होता है। अभी जो है हम लोग बांग्लादेश के बॉर्डर से गुजर रहे हैं, और इस साइड जो है आप सामने जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश है, और अभी हम लोग जो है इंडिया में चल रहे हैं। ये रिवर जो है वो ही जो है बॉर्डर है, ये फेंसिंग है, ये उस साइड जो है ये बांग्लादेश हो गया, और अभी हम लोग जो है इंडिया से गुजर रहे हैं चौकी, तो चौकी के तरफ जो है अभी हम लोग जा रहे हैं। ये फेंसिंग जो है वो बांग्लादेश और इंडिया का जो है बॉर्डर का फेंसिंग है। अभी हम लोग जो है वो बांग्लादेश के बॉर्डर से गुजर रहे हैं। ये आपको सामने जो फेंसिंग दिख रहा है ये बांग्लादेश और इंडिया का बॉर्डर है, और ये बीच में जो सेपरेट करता है वो नदी है। वो सामने जो आपको एरिया दिख रहा है वो बांग्लादेश का एरिया है। ये अपने आप में जो है एक यूनिक एक्सपीरियंस है, और इतना क्लोज जो है हम लोग किसी बॉर्डर के पास नहीं गए हैं। भूटान जाते जाते रह गए थे, शायद मैं पहला ऐसा यूट्यूबर हूँ जो भूटान जो है इंटर नहीं कर पाया, तो उसके लिए भी बहुत जल्दी जो है वो ब्लॉग आपको मिल जाएगा। तो इस लास्ट माइल टू द इंडिया एंड बांग्लादेश बॉर्डर। फाइनली जो है मैं डॉकी रिवर पे पहुंच चुका हूं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं वो बांग्लादेश है, उसके लिए जो है यहां पे एक बॉर्डर लाइन दिया गया है। आप यहां से देख सकते हैं ये पत्थर का जो बना हुआ है, ये हो गया बॉर्डर लाइन। इसके उस साइड जो है वो बांग्लादेश है, और इस साइड जो है ये इंडिया है। यहाँ से आप बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, 800 चार्जेस है, जिसमें तीन लोग जो है कि शेयर करके जा सकते हैं, या फिर सिंगल बोट भी 800 का लेके जा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ अगर कोई शेयरिंग मिल जाता है तो फिर मैं जो है कि प्लान करूँगा, वरना मैं अवॉइड कर दूंगा। बट लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत ही सीनरिक जो है व्यू है। डॉकी रिवर स्पेशली फेमस है क्लियर वाटर के लिए। यहाँ से आप जो है कि नीचे जो स्टोन्स वगैरह हैं वो सब क्लियरली देख सकते हैं। थोड़ा अभी क्राउड हो गया जिसकी वजह से ये नहीं है, बट लेकिन अभी सही टाइम है। विंटर के टाइम में अगर आप आते हैं, जिस टाइम में मैं विजिट कर रहा हूँ, तो उस टाइम में जो आपको इजिली वे में वो दिखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं, ट्राई करते हैं, फिर बाकी इन्फॉर्मेशन जो है मैं आपको लास्ट में दूंगा। पहले मैं ट्राई करता हूँ कि मैं कोई बोर्ड शेयरिंग मिल जाए। फाइनली जो है हम लोग बोर्ड राइड ले रहे हैं। एक कपल थे जिन्होंने के साथ जो है कि मैं शेयर कर रहा हूँ, जो कि ईच जो है 266 रुपीज जो है कि पड़ा है, तो हमने बुक कर लिया है। अभी मैं आपको जो है आगे का सीन दिखाता हूँ, कितना जो ब्यूटीफुल और सीनरिक सीन है। अभी जो हम लोग डॉकी रिवर के अंदर आ गए हैं। ये डॉकी रिवर के जो है कि सामने जो है सामने का व्यू देखें। ये अभी हम लोग जो है एक आइलैंड पे जा रहे हैं। सामने जो है ये ब्रिज है, ब्रिज क्रॉस करने के बाद जो है कि आइलैंड जा रहे हैं। पीछे जो है वो मेरे, आप अगर पीछे की तरफ देख रहे होंगे तो ये जो है बांग्लादेश का एरिया हो गया, और अभी हम लोग जो है इंडिया देख रहे हैं। ये क्लिस्टर क्लियर तो वाटर नजर नहीं आ रहा है ये एक्चुअली, बट लेकिन पानी का कलर जो है वो ब्लू ब्लू नजर आ रहा है। बट लेकिन किनारे में है तो वहाँ पे जो है कि मे बी दिखे। एक तो है कि क्राउड भी बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से जो है कि वो जो क्लिस्टर क्लियर वाटर की बात होती है वो नहीं है यहाँ देखने को मिलता है। बट लेकिन आपकी किस्मत अच्छी रही तो वो आपको दिख भी जाएगा।
यहाँ पे साइड में जो है आप वो देख सकते हैं कि आपको अंदर में पानी के जो है वो पत्थर जो है साफ साफ दिख रहा होगा, स्टोन वगैरह जो है वो साफ साफ अंदर दिख रहा है। तो साइड में जब आप जाएंगे तो वो आपको दिखेगा, बट बीच रिवर में जो है ये वो आपको नहीं दिखता है। तो अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्लियरली जो है वो नज़र आ रहा है। तो रिकमेंड है कि विंटर के सीजन में आए, उस टाइम में जो है कि क्राउड भी कम रहता है और उस टाइम में पानी कम रहता है, जिसकी वजह से दिखता है, जो है कि लाइफ का जो है ये अमेजिंग एक्सपीरियंस है। तो एक बार जो है कि आप आ सकते हैं, अगर नहीं आ पा रहे हैं तो हमारे ब्लॉग के थ्रू जो है कि आप विजुअल उसको जो है इंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोकल लोग जो हैं वो यहाँ पे फिशिंग कर रहे हैं। अभी जो हम लोग इसी ब्रिज को जो है क्रॉस करके जो है वो डॉकी के साइड आए। ये ब्रिज है जो दो साइड को जो है दो पहाड़ों को जो है आपस में जोड़ता है और उसके बीच में जो है ये डॉकी रिवर है। सामने एक आइलैंड है जहाँ पे अभी हम लोग जा रहे हैं। आप जो है कि इजीली जो है कि पानी के अंदर जो है वो जमीन को देख सकते हैं, नीचे जो है कि रेत है वो साफ साफ दिख रहा है। मे बी वीडियो में नहीं दिख रहा हो बट लेकिन यहाँ तो आँख से जो है कि वो आई से जो है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। तो आपको जो है कि लाइफ में एक बार इसे जरूर एंजॉय करना चाहिए। मछली भी दिख रहा है साफ साफ, नाउ यू कैन आइडेंटिफाई दिखे, बड़े बड़े पत्थर से हैं। आप छोटे छोटे मछली भी देख सकते हो इसमें। ये थोड़ा सा शाम हो गया, यही थोड़ा दिन का टाइम रहता 3-4 बजे क्या, तो ये होता अभी तो 5 o'clock हो गया है, जिसकी वजह से बोट से जो है कि एक आइलैंड पे आए हैं। ये छोटा सा आइलैंड है, यहाँ पे आप 5 से 10 मिनट जो है कि आप रुक सकते हैं। मेनली आप यहाँ से देख सकते हैं कि पानी कैसे जो है कि यहाँ से पूरे इस बहाव में आता है, उसके बाद जाकर फिर ये सामने से पानी आता है। ये पहाड़ों से जो है कि सारे पानी आ रहे हैं। अगर आप मॉनसून के समय में आओगे तो ये और ज़्यादा आपको बहुत तेज दिखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको हार्डली 2-4 मिनट वॉक करके आना होगा, फिर जाके आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि पानी जो है पहाड़ से आ रहा है और कितना ज़्यादा फोर्स के साथ आ रहा है। एक तरह से झरना का स्टेप क्रिएट करते जा रहा है और ये फिर जाते जाते ये नदी में मिल जा रहा है। ये डॉकी लेक है, इसको उमना लेक भी बोलते हैं। हाँ, जनरली जो है कि डॉकी लेक से ज़्यादा फेमस है, आपने भी सुना होगा तो अगर डॉकी लेक का ही नाम सुना होगा। ये इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश दोनों में बहता है। तो आप जो है कि इसको एंजॉय कर सकते हैं, इसका ट्रिप 800 लगता है 3% का, प्लस एक बच्चा अलाव है उसमें। अभी जो है मैं जहाँ से पानी जो है आ रहा है रिवर में, मैं पहाड़ से जहाँ से गिरते हुए जो है कि फोर्स क्रिएट करते हुए पानी जो आ रहा है, मैं वहाँ के पास आ गया हूँ। आपके लिए जो है मैंने इतना रिस्क लिया है, एक बार मैं आपको वो दिखाता हूँ। अब यहाँ से क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि कितना जो है कि पावर के साथ जो है कि पानी आ रहा है। अगर आप इसमें जाओगे तो आपको बहने से कोई नहीं रोक सकता, यहाँ पर इवन कि नाव भी नहीं आता है। तो ये पानी सीधा जाकर फिर डॉकी रिवर में मिल जाता है और कितना क्लियर और ब्लूइश वाटर नज़र आ रहा है ये। यहाँ पे जब आप आओ तो थोड़ा सा केयरफुल होके आओ क्योंकि बहुत स्लिपली है। मैं भी पिछलते पिछलते बचा हूँ, तो अगर आप इस जगह आना चाह रहे हो तो थोड़ा सा केयरफुल होके आओ। और आपको 10 से 15 मिनट टाइम मिलता है, आप कोशिश करो कि थोड़ा पहले आने का। वो क्लीनेस विलेज जो है ना, उसको अगर आप प्राइवेट टैक्सी ले रहे हो ना, उसको अवॉइड कर दो। ठीक है, आप यहाँ आओ, 1 से 2 घंटा आप एक्सप्लोर करो यहाँ रह के, फिर जाके यहाँ का आपको मज़ा आएगा 10-5 मिनट में। और फिर सनसेट का जो सीन है ना, वो बहुत ही लाजवाब होता है। तो अभी तो हम लोग मिस कर चुके हैं क्योंकि इवनिंग हो चुका है, जिसकी वजह से GoPro भी प्रॉपर काम कर नहीं रहा है। फाइनली जो है हम लोग होटल पे पहुंच चुके हैं और टाइम जो है कि वो अभी 9:30 हो गया है। खाना वाना जो है मैं खा लिया था, 8:30 बजे जो है कि पुलिस बाजार हम लोग को ड्रॉप कर दिया गया था और फिर होटल वगैरह जाके खाना वाना खाते होते 9:30 हो गया। होटल ऑलमोस्ट जो है कि क्लोज पे था,
बट लेकिन मैं लास्ट पर्सन था जिसने ये होटल में खाया। तो 5 पॉइंट जो है इसमें कवर किया जाता है, जिसमें थोड़ा सा हम लोग को निकलने में भी लेट हो गया था, जिसकी वजह से जो है कि थोड़ा टाइम जो है कि ज़्यादा लग गया। 7:30 का टाइम होता है ड्रॉपिंग, बट लेकिन 8:30 हो गया था। तो एक अच्छी बात रही कि इन्होंने पुलिस बाजार पे ही आके उतारा, वरना यहाँ से 20 मिनट का और वॉकिंग डिस्टेंस था, तो आज खाना तो पता नहीं क्या होता। तो इसकी वजह से मैं बच गया। और एक तो है कि डॉकी पहुंचने से पहले हमारी गाड़ी भी खराब हो गई थी बस, जिसकी वजह से 15 से 20 मिनट जो है कि उसमें भी लग गया उसको ठीक करने में। तो ये सारे प्रॉब्लम्स की वजह से भी जो है कि हम लोग जो है थोड़ा सा लेट हो गए थे। और उसके बाद जो है कि हम इस ट्रिप में जो है कि 5 पॉइंट्स को जो है आपको एक्सप्लोर कराया जाता है, उसमें से एक जो है आपका व्यू पॉइंट है, और एक सिंगल लाइफ रूट ब्रिज है, और एक जो है कि क्लीनेस्ट विलेज माइलोंग या मिलोंग ऐसे कुछ करके कुछ विलेज का नाम है, वो विलेज है, प्लस डॉकी है। एक वाटरफॉल पड़ता है जिसको हम लोगों ने बस से जो ही देखा और रिकॉर्डिंग वगैरह किया, क्योंकि टाइम नहीं था तो हम लोग वहाँ रुके नहीं। और आपको डॉकी रिवर में जो है ऑलमोस्ट जो है कि आपको 1.5 से 2 घंटा टाइम चाहिए, तब जाकर आप अच्छे से एक्सप्लोर करोगे। और अगर आप 2-3 बजे वहाँ पहुँचते हो तो फिर जाकर आप अच्छे से वहाँ से सीनरी व्यू वगैरह ले पाओगे। बहुत अच्छी प्लेस है, आप मस्ट विजिट प्लेस है वो, आप वहाँ जरूर जाओ। और वहाँ पे जो है कि टोटल राउंड डिस्टेंस जो है 230 किलोमीटर का होता है, 80-90 किलोमीटर डॉकी पड़ता है, फिर अलग अलग पार्ट्स में हम लोग जाते हैं तो उसको मिला जुला के वो 230 किलोमीटर जो है कि उसका डिस्टेंस हो जाता है। टाइमिंग जो है वो आप रखो कि 8 बजे लेके चलो, 8-8:30 बजे यहाँ तक निकलते हैं, और फिर आपको 7-7:30 बजे तक आपको ड्रॉप कर दिया जाता है। बाकी जितने भी डिटेल्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन में दिए होंगे। ट्रिप के लिए जो है अभी फिलहाल जो है आपको पोलो ही जाना होगा, वहाँ पोलो के पास जो है कि मेघालय टूरिज्म का ऑफिस है। अब वहाँ से जो है कि एक दिन पहले जाके आप टिकट बुक कर लें, और उसके बाद वहाँ से आप जाके ट्रेवल कर सकते हैं। मे बी आप सेम डे जो है टिकट आपको मिल भी सकता नहीं मिलता, क्योंकि अब धीरे धीरे जो है कि लोगों को इसके बारे में पता चल गया, तो क्राउड भी अच्छा खासा रहता है और ये चीप ट्रिप भी है, तो इस वजह से लोग अब इसको प्रिफेयर कर रहे हैं। बाकी जो है यहाँ से प्लीज बाजार से आप वॉक करके जा सकते हैं, 20 मिनट लगेगा। बाकी कोई भी डिटेल्स के लिए आप जो है मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जो है कि मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।